दोस्तों, जंगल में जंगली जानवरों को शिकार को पकड़ने के लिए रोज रोज नए नए हथकंडे अपनाने पड़ते हैं और कभी कभी यही तकनीकें बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हो जाती है। वीडियो को पूरी देखिए क्योंकि आज हम बहुत ही दर्दनाक तरह के शिकार आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, कायोटी भेड़ियों के ही रिश्तेदार होते हैं और भेड़ियों की ही तरह इन्हें भी शिकार करके खाना ज्यादा पसंद होता है। जैसे कि इस कायोटी को एक हिरन दिखता है, जिसके बाद कायोटी तुरंत उस हिरन की गर्दन पर हमला कर देता है। और ये जानवर बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते, बल्कि ये 3 फुट ऊंचा कूद सकते हैं और इसी वजह से ये अपने से काफी बड़े जानवरों की भी सीधी गर्दन पकड़कर उसे मारने में सक्षम है। इसके अलावा कायोटी बहुत ही एम्बिशियस जानवर होते हैं, क्योंकि कायोटी को खासकर उन जानवरों को मारने में ज्यादा मजा आता है जो पेड़ पर चढ़ना पसंद करते हैं। दोस्तों, वैसे तो कायोटी पेड़ पर चढ़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी जरा इस क्लिप को देखिए, क्योंकि इस क्लिप में कायोटी ने कमाल कर दिया। आप देख सकते हैं, कायोटी पेड़ से थोड़ा दूर एक रैकून की तलाश में चुपचाप बैठा हुआ है और जैसे ही रैकून चुप्पे से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, वैसे ही कायोटी धीमी चाल में पेड़ के पास आता है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि कायोटी 3 फुट ऊंचा कूद सकते हैं, अपने इसी कूदने की क्षमता से कायोटी रैकून का पिछवाड़ा पकड़ लेता है। दोस्तों, कायोटी को एक शातिर खिलाड़ी बनने के लिए पहले अपने शिकार को कायदे से देखकर समझना होता है कि ये कहां और कैसे जा रहा है। और इस क्लिप में भी कायोटी बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह पानी में उतरकर बिना किसी शोर के इन बतख पर नजर रखता है, क्योंकि अगर इसकी एक आवाज से बतख उड़ गई तो अच्छा खासा नाश्ता उसके हाथों से चला जाएगा। लेकिन जैसे ही कायोटी को लगने लगता है कि अब वो काफी पास है, तो तुरंत इन चिड़ियों पर कायोटी हमला कर इनमें से एक को पकड़ लेता है और एक अच्छा नाश्ता कायोटी के हाथ लग जाता है। दोस्तों, इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि चीता बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं और इनकी अधिकतम स्पीड आपकी यहाँ मौजूद 100 cc की बाइक से भी ज्यादा है और यही स्पीड इन शिकारियों को शिकार दिलाने में भी मदद करती है। अब यहाँ पर चीता एक नौजवान इम्पाला का पीछा कर रहा है और इम्पाला भी काफी तेज दौड़ते हैं, लेकिन चीता तो सबसे तेज दौड़ता है, तो फिर ये इम्पाला इनसे कहाँ बचने वाला है। अब ड्रोन से ली गई इस क्लिप को देखो, जिसमें चीता विल्डर बीस्ट का पीछा कर रहा है और जैसे ही चीता शिकार के नजदीक पहुंचता है, तो चीता सबसे पहले अपने आगे के पैर के पंजों से विल्डर बीस्ट के पिछवाड़े पर हमला करता है, जिससे विल्डर बीस्ट की स्पीड धीमी हो जाती है और चीता आसानी से उस पर झपट्टा मार पाता है। अब इस क्लिप को देखो, जिसमें चीता को एक ऑस्ट्रिच दूर खड़ा दिख जाता है और इतने बड़े शिकार को चीता आखिर कैसे जाने देते, अब पता नहीं कैसे, लेकिन एक चीता ऑस्ट्रिच की पहली गर्दन को पकड़ लेता है और उतने में ही ऑस्ट्रिच का गेम ओवर। अब इस क्लिप में आपको एक स्नो लेपर्ड 4-5 कुत्तों से घिरा हुआ दिखेगा और ये कुत्ते कोई ऐसे वैसे कुत्ते नहीं, बल्कि शिकारी कुत्ते हैं, क्योंकि ये कुत्ते दूसरे जानवरों को देखते ही बहुत ही ज्यादा खूंखार हो जाते हैं। और यहाँ पर ये तेंदुआ अब शिकार को अपने खा रहा है, तभी ये कुत्ते आकर उसे परेशान करने लगते हैं और ईंट सारे कुत्तों को देखकर कहीं ना कहीं तेंदुआ भी थोड़ा बहुत डर जाता है, लेकिन फिर भी तेंदुआ वहां से भागता नहीं, क्योंकि अगर तेंदुआ भागने की कोशिश करता तो ये कुत्ते उस पर हमला कर देते। लेकिन तेंदुआ भागता नहीं, जिसकी वजह से कुत्तों की भी इस पर हमला करने की हिम्मत नहीं होती। दोस्तों, पालतू बिल्ली को तो आपने घर में जरूर आता देखा होगा, लेकिन जंगली बिल्ली जो अगर आपके घर में आ जाए तो आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। और इन्हें हम बॉब कैट के नाम से जानते हैं और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये चाहे ठंडा इलाका हो या गर्म, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बॉब कैट हर मौसम में शिकार कर लेती है। अब जैसे कि इस बॉब कैट को कहीं खरगोश दिखा है, जिसके बाद बिल्ली खरगोश के पास बहुत आराम से पहुंचती है और एक ही हमले में खरगोश को मार देती है। दोस्तों, वैसे तो और सब बड़ी बिल्लियों की तुलना में, मतलब शेर, चीता, टाइगर, तेंदुआ, इन सब की तुलना में इस जंगली बिल्ली का बाइट फोर्स काफी कम होता है, लेकिन जो इस बिल्ली के साइज के दूसरे और जानवर हैं, उनकी तुलना में इस बिल्ली का बाइट फोर्स काफी अधिक होता है। जैसे कि इस क्लिप में तो इस बॉब कैट ने सीधा एक हिरन का ही शिकार कर लिया और आप देख ही सकते हैं कि बिल्ली ने इस हिरण को कितनी आसानी से पकड़ा हुआ है। दोस्तों, इन बिल्लियों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये किसी भी जानवर से डरती नहीं। जैसे कि यहाँ इस बॉब कैट को एक रैटल स्नैक मिलता है जो कि काफी जहरीला होता है, लेकिन फिर भी बॉब कैट को एक बार भी काट नहीं पाता, क्योंकि बिल्ली के अंदर सांप से ज्यादा फुर्ती थी। और जैसे ही बिल्ली अपने पंजे से इस सांप का मुंह पकड़ लेती है, वैसे ही इस सांप के मुंह को अपने मुंह में दबाकर इसका गेम ओवर बिल्ली कर देती है।
दोस्तों वाकई में ये बात तो हम भी मानते हैं कि जैगुआर बहुत ही जबरदस्त शिकारी जानवर होते हैं। जैसे कि इस जैगुआर को बीच तालाब में एक कैमैन मतलब घड़ियाल दिखता है जो कि मेरे हिसाब से धूप का मजा ले रहा था। लेकिन ये जैगुआर इतने चुपचाप तरीके से इस कैमैन पर हमला करता है कि घड़ियाल को जरा सा भी इस बात का पता नहीं चलता कि पीछे उसकी मौत आ रही है। और जैगुआर के लिए शिकार बहुत ही ज्यादा आसान था। दोस्तों जैगुआर के दांत बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं और इतने ज्यादा मजबूत कि अपनी एक बाइट से अपने शिकार की खोपड़ी तोड़ दे। जैसे कि इस जैगुआर को बड़े साइज के मूस दिखते हैं जिन्हें अंग्रेजी में कैपीबारा कहा जाता है, जिसे जैगुआर एक ही बार में पकड़कर अपने मुंह से दबा लेता है और जैगुआर के दोपहर के खाने का इंतजाम हो जाता है। दोस्तों भालू पैदाइशी शिकारी होते हैं क्योंकि इनके चंगुल में आए जानवर का बचकर भाग जाना बड़ा ही नामुमकिन होता है। अब जैसे कि इस क्लिप में देखो, ये ग्रिजली बेयर मछली को पकड़ रहे हैं और जैसे ही मछली इस झरने से उछलती है तो वो वापस में पानी में चली जाए, वो भी भालू के खड़े होते ऐसा हो पाना नामुमकिन है क्योंकि ग्रिजली बेयर को पता है कि इन मछलियों को पकड़ने के लिए कितनी स्पीड चाहिए। और सिर्फ पानी में ही नहीं बल्कि भालू हर तरह की शिकार करने में माहिर होते हैं। जैसे कि ये भालू इन बाइसन को दौड़ा रहा और भालू की नजर इन बाइसन के बच्चों पर है और भालू के पंजे भालू के दांत से ज्यादा खतरनाक होते हैं, इस वजह से इस बच्चे का मरना तो तय था। अब इस क्लिप को देखो जिसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि भालू किसी से नहीं डरते क्योंकि इन भेड़ियों के मुंह से भालू इनका ही शिकार चुरा लेता है। और भेड़ियों के बार बार विद्रोह करने से भालू के एक ही हमले पर भेड़ियों को पीछे हटना ठीक लगता है। अब यहां आपको एक पल के लिए लग सकता है कि भालू इस बाइसन से डरकर पीछे हट गया, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जैसे ही बाइसन वापस से पीछे मुड़ता है भालू अपना काम कर देता है। दोस्तों सियार अपने खाने को लेकर चौकन्ना बहुत ज्यादा रहते हैं क्योंकि जरा सी आहट किसी और शिकारी जानवर की लगते ही सियार अपने खाने को लेकर उस जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अब जैसे कि इन दो सियार को देखो जो इस गैजल को दौड़ाकर पकड़ लेते हैं और बिल्कुल पहले जैसे ही तकनीक, एक सियार पिछवाड़े पर हमला करता है और दूसरा सियार गर्दन पर। लेकिन शायद ये सियार भूखे बहुत ज्यादा थे क्योंकि इन्होंने इस गैजल को मारा नहीं बल्कि पिछवाड़े से खाना ही शुरू कर दिया। दोस्तों ये छोटी सी स्कुआ पक्षी भी इतनी खतरनाक हो सकती है कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। और इन स्कुआ बर्ड का सबसे मन पसंद शिकार सिर्फ और सिर्फ पेंगुइन ही होती है। अब यहाँ ही देख लो, इतने सारे पेंगुइन के बच्चों को देखकर स्कुआ कंफ्यूज है कि पहले किसको मारूं। वहीं दूसरी तरफ बच्चों की बुरी तरह से फटी पड़ी है, लेकिन हम कंफ्यूज हो गए। असल में ये बच्चे नहीं, बच्चे तो इनके पिछवाड़े के नीचे हैं और स्कुआ को जैसे ही मौका मिलता है बच्चे को तुरंत पकड़कर जा तक जाती है। दोस्तों पेंगुइन स्कुआ को देखकर ही डर जाती है कि उनके बच्चों की जान खतरे में है, लेकिन स्कुआ भी ये बात अच्छे से जानती है कि पेंगुइन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। और यहां भी हमें देखने को मिलता है बेचारी पेंगुइन के स्कुआ इतना चोट से हमला करती है कि पेंगुइन को उठना पड़ जाता है और स्कुआ दोनों बच्चे को लेकर फरार हो जाती है। दोस्तों स्कुआ इतनी चालाक होती है कि इन्हें पता है कब और कैसे पेंगुइन के बच्चों को चुराना है। जैसे कि इस क्लिप में एक बार में पेंगुइन का बच्चा स्कुआ के मुंह में होता है और पेंगुइन कुछ नहीं कर पाती। दोस्तों सियार जंगली कुत्ते की तुलना में भेड़िया थोड़े अलग होते हैं क्योंकि शिकार के साइज के हिसाब से भेड़िया हमेशा हमला करते हैं। अगर मान लो शिकार बड़ा है तो फिर भेड़िया सीधा उसकी गर्दन चौक करने की कोशिश करते हैं, और अगर शिकार छोटा है तो फिर किसी भी तरह से भेड़िया उसे मार सकते हैं। और कई बार तो भेड़ियों ने शिकार को कई जगह काट काट कर भी मारा है। जैसे कि इस क्लिप में भेड़िये को एक हिरन मिलता है और इससे पहले हिरन वहां से भागने की कोशिश भी करता, उससे पहले ही भेड़िया मिलकर हिरन का काम लगा देता है। अब यहाँ इस भेड़िया को हिरन का पूरा झुंड मिल जाता है, जिसमें से एक हिरन को भेड़िया अलग करके उसकी टांग पीछे से पकड़ लेते हैं। और अब आगे तो आप जानते हैं क्या होगा। दोस्तों एक भेड़िया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग सकता है और भेड़ियों के ग्रुप में भी जो सबसे तेज भेड़िया होता है उसे सबसे आगे शिकार पकड़ने के लिए रखा जाता है और बाकी भेड़िये पीछे शिकार के धीमे होने का इंतजार करते हैं। जैसे कि ये जंगली खरगोश जो कि एक और तेज दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन फिर भी भेड़ियों की रफ्तार के आगे इसकी एक नहीं चलती और सारे भेड़िये मिलकर इस खरगोश का काम लगा देते हैं। अब दोस्तों जितने भी जानवर अभी तक हमने आपको दिखाए, इन सब का शिकार ये पानी में मौजूद मर्द बड़े आराम से कर सकते हैं। अब जैसे कि ये कुत्ते मगरमच्छ के शिकार को खाने की कोशिश कर रहे थे जिसे मगरमच्छ काफी देर से नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन जब तक ये कुत्ते मगरमच्छ के खाने को खा रहे थे तब तक तो दिक्कत नहीं, लेकिन ये कुत्ते इस शिकार को मगरमच्छ से चुराने की कोशिश करने लगे
और ये मगरमच्छ से बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके बाद मगरमच्छ हमला करता है और एक कुत्ता मगर के चंगुल में फंस जाता है और खाना खाने आया कुत्ता खुद खाना बन जाता है, जिसके बाद कुत्ते के दोस्त लोग एक बहुत ही गहरे सदमे में चले जाते हैं और दोबारा उनकी हिम्मत नहीं होती कि मगरमच्छ के शिकार को चुरा ले। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।